हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आई हूँ दिल्ली, और दिल्ली में शूट कर रही हूँ मेरे फेवरेट प्रवीण भट्ट सर के साथ। ये तो नेहा मॉडेस्ट है, हमेशा ऐसे बोलती है वैसे। नहीं, और मुझे इंस्पायर दिया आज सर ने, किया और उनकी वाइफ ने कराया कि एक यूट्यूब ब्लॉग। हाँ भाई, आई थिंक नेहा के जितने फैंस हैं यहाँ पे, प्लीज नेहा को कमेंट करके नीचे बताना कि आप सब देखना चाहोगे भाई नेहा एवरी डे जो घूमती फिरती। सर की तरह मेहनत नहीं कर सकती, सर बहुत मेहनत करते हैं यूट्यूब चैनल पे, आपको पता होगा उनके यूट्यूब चैनल। और अभी हमारा मेकअप स्टार्ट हो चुका है, शेखर भी हेलो बोलो। वो है हमारी स्टाइलिंग टीम वहाँ पे, जो आज नेहा के सुंदर सुंदर आउटफिट्स लेके आई हैं। एंड वी ऑल गो टू रॉक एज ऑलवेज। और प्लीज नीचे कमेंट करके बताना नेहा को कि कितना इम्पोर्टेंट है इसको यूट्यूब पे वीडियोस रेगुलर बनाना, व्लॉग बनाना। इस तरह से मेकअप होता है शूट के पहले, और अंडरलाइन से बिठाया जाता है। कैसे? हाँ, ऐसे बिठा दिया जाता है और बोलते हैं कि फोन मत यूज करो, सामने देखो। नहीं, उसका भी टेक्निकल एक रीजन है। क्या रीजन है बताओ? जैसे कि आप अगर ऊपर देखते हो ना, तो नीचे के जितने भी लाइंस एंड ऑल जितने भी आते हैं ना, अंडरलाइन, मैं चाहता हूँ कि उसमें एडिट कम हो, नेचुरल ज्यादा रहे। मतलब नेचुरल सुंदर हो ना। हाँ, शी इज क्यूट एक्चुअली। सो गाइस, देख सकते हो आप मेरा मेकअप है कंप्लीट हो चुका है। ये हमने बहुत ही सिंपल लुक रखा, सिंपल सटल, यस, ब्यूटीफुल लुक है, ब्यूटी शॉट्स करने के लिए। और ये मैं नेचुरल हेयर है वैसे, कोई एक्सटेंशन नहीं लगा है, खुद के बाल है मेरे। तो लोग मुझे कहते रहते हैं कि आपके बाल, क्योंकि नहीं, मैं नेचुरल बाल है। यार तुम्हें रोज तो मिलते रहते होंगे। काश मुझे मिलते, पर आज मुझे शूट में मिल रहा है। थैंक यू प्रवीण सर। वैसे ना ये मुझे अपने शूट के लिए मिल रहा है, ऐसे नहीं मिल रहा। हाँ, तो अच्छा, अब चक्कर क्या है, नेहा कंप्लेंट ये कर रही है कि सर आपने फोटो शूट के लिए ये रोज तो मंगवा लिया, लेकिन वैसे मेरे जो फैंस हैं मुझे रोज नहीं मिलते। फैंस बहुत देते हैं। हाँ, फैंस तो बुके ले लेके आते हैं, पर फैंस वाला नहीं ऐसा। सच्चा? अच्छा भाई, नेहा का स्वयंवर ना कराते ब्लॉग पे? करना चाहिए ना हमको, कर दे एक सीरीज। मेरे बाल ठीक हो रहे हैं क्योंकि हम लोगों को रील बनानी है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बालों का शूट ज़्यादा हो रहा है मेरे से ज़्यादा, और रोज़ का बहुत इम्पोर्टेंस है इस शूट में। मैं आपको फ़ोटोज़ दिखाऊंगी, बहुत ही प्यारी फ़ोटोज़ आई हैं इस शूट की। अभी आपको इसमें फ़ोटोज़ अटैच कर देती हूँ ताकि आप देख सको कितना प्यारा शूट हुआ था और कितने अच्छे बाल लग रहे थे। सो गाइज, ये हैं फोटोज हमारे शूट की। सो गाइज, अब हमारा हो रहा है थर्ड लुक रेडी। करो इधर दिखाओ यार, ये तो पूरी चीजें दिखा नहीं रही है। देखो पूरा लुक, ये लुक है। सर आपकी तरह प्रो नहीं हूँ मैं। आप तो सीख रहे हो। ये है कानून के हाथ। Yes, ये है मैं कि यूट्यूबर के प्रो। नहीं यार, देखो मैं तो बोल दिया नेहा को, क्योंकि जितना ट्रैवल नेहा करती है, जितने शूट से करती है, इससे बढ़िया व्लॉग कौन बना सकता है। बस सर आप भी रहते हो ना मेरे साथ हमेशा, मैं इनको इनको मुंबई शिफ्ट करवाना पड़ेगा। बट लुक एट दिस गाइस, एक मिनट में तुम्हें स्विच करके दिखाता हूं। रुको, या आप देखो भाई पूरा लुक, इजंट शी लुकिंग गॉर्जियस। आप रेड कार्पेट निकल लो, रेड कार्पेट निकल लो, उसके बाद आप लेके चलो सर, चलते कान में। ये देखिए शूट की फोटोज। सो गाइस, ये है हमारा लास्ट लुक। साड़ी पहन ली हमने, नारी इन साड़ी। एक्चुअली ना मुझे रॉकी
की रानी जो मूवी आई थी, रॉकी की रानी नाम था ना, रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी, रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी की, मुझे उसका आलिया भट्ट का इस साड़ी वाला बड़ा अच्छा लगा था, तो मैं सोचा कि मुझे भी करना चाहिए, तो वाई नॉट, कैसी लगती है साड़ी देसी गोल्ड। शूट की मेहनत का फल, कितनी अच्छी फोटोज आई हैं ये। गाइस अब हमारा हो चुका है पैक अप, ये सो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, और हम सब ने बहुत मेहनत करी है, सबने मिलके बनाया है ये ब्लॉग, तो प्लीज गाइस ब्लॉग को, इस ब्लॉग को प्यार देना और बताने ब्लॉग कैसा लगा है, एंड प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब लोग बोलते हैं, मैं भी आपको बोल रही हूँ कि प्लीज चैनल को प्यार करो और सब्सक्राइब करो, ताकि मैं और ब्लॉग्स बनाऊँ और थोड़ी ज्यादा मेहनत करूँ। थैंक यू, बाय, लव यू।